अरे झूठे बोलना है मोदी जी को, तो इस साल भी कहते कि 2 करोड़ के जगह 4 करोड़ देंगे, हाँ। लेकिन वो है अब खत्म हो गया। जब आए जमुई में, हाँ। तो वहाँ उनका परिवारवाद कहाँ गया? नहीं कुछ बोले, कहाँ वहाँ गया? वहाँ परिवारवाद नहीं है। मेरा नाम अर्जुन यादव है, लेकिन हम पूरे दम सम के साथ कहते हैं कि सिरदल्ला में विनोद यादव का बोहनी नहीं होगा, बोहनी नहीं, सब पूरा सरवन मैं, नवादा का बेटा चाहिए, नवादा का सरवन कुशवाहा को वोट करेंगे, फॉरवर्ड क्लास का वोट भी हम लोग को मिलने जा रहा है, फॉरवर्ड का भी वोट आपको कहे देगा? कहे नहीं देगा, रोजगार के नाम पर देगा, रोजगार के नाम पर, बाहरी भगाओ के नाम पर, खेला हो जाएगा, हो गया खेला, हो गया। सहनी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, सरवन कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वप पल्लाह मुकेश सहनी अब आरजेडी के साथ गठबंधन में आ गए हैं, महागठबंधन में आ गए हैं और उनको 3 सीटें मिली है। इसको लेके बिहार के चुनाव में खास करके जो 40 सीटें हैं उस पे मल्लाहों का वोट किधर जाएगा, कितना मजबूत होगा महागठबंधन, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के नवादा के जिला अध्यक्ष हैं, सर नाम क्या हो गया? अशोक कुमार क्रांति। तो आप, तो आप लोग हो गए मगर महागठबंधन शामिल हो गए? जी, महागठबंधन में कब लोग हिस्सा हो गए? महागठबंधन में शामिल हो गए। तो मल्लाह समाज का वोट अब किधर जाएगा? एक वोट जाएगा वीआईपी और तेजस्वी में, आरजेडी में एक वोट नहीं जाएगा, पूरे मल्लाह बिंद बेलदार नाम मल्लाह नोनिया जितने भी हम लोग उपजाति हैं, एक वोट भी एनडीए में नहीं जाएगा। कितने परसेंट हैं? हम लोग तो कितना 14% से ज्यादा है, तो सब मिला के 36% है सर, 36%। अति पिछड़ा, पूरा जोर रहे हैं? हाँ, पूरा अति पिछड़ा, अति पिछड़ा जा रहा महागठबंधन, पूरा महागठबंधन में जितना अति पिछड़ा समाज है सब मुकेश सहनी, 36% मुकेश सहनी के साथ है। अति पिछड़ा के नेता बन गए मुकेश सहनी? मुकेश सहनी अति पिछड़ा का नेता नहीं, इस सबों का नेता है, सबके नेता है, सबके नेता मुकेश सहनी। तो सब समाज का वोट ट्रांसफर करवा सब देंगे? समाज का वोट एक हम लोग गंगा जल के कसम खिलाए थे तब। क्या कसम खाए थे? कसम खाए थे कि एक एक वोट जो हमारे सना मल्लाह कहेंगे उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे। कसम बोल रहे, बोले ये भी थे कि जो आरक्षण देगा उसके साथ जाएंगे। हाँ, आरक्षण देगा तो आरक्षण दिया ना, मोदी नहीं दिया, धोखा दे दिए मोदी जी, मोदी धोखा दे दिए, वो खाली राम मंदिर पर बात करते हैं, बिहार के रोजगार युवा का कुछ करवे नहीं करते, सिर्फ धर्म की बात करते, रोजगार की बात नहीं करते। मंदिर से कितने परिवार चलेगा, रोजी रोटी चलेगा? आज चाहिए पूरे बिहार युवा का रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिटिया पलित हो गया, रोजगार है ये नहीं, सिर्फ राम मंदिर एक ही मुद्दा लेके चल रहा है। पूरे भाषण में कई बार बोले 400 पार, उनका वही काम है जुमलाबाजी करना है, जुमलाबाजी से सरकार थोड़े चलेगा, वो सब समझ गया बिहार के जनता। कितना सीट में फायदा, 6 सीटें बताई जा रही है जहाँ पे डायरेक्ट मल्लाह समाज का लगभग डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हम लोग 400 सीट पर उनका अति करेंगे, पछाड़ेंगे 400 सीट पर। देखिए बिहार में इस बार बड़ा खेल खेला है लालू यादव ने, कुशवाहा समाज को महागठबंधन ने सबसे अधिक टिकट दिया है। कुशवाहा समाज जो कहा जा रहा था कि लव कुछ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ है तो चला जाएगा उधर, लेकिन लालू यादव ने उसे बड़ा दाव खेल दिया, एक भी कुशवाहा समाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वही लालू यादव की पार्टी ने 3 और महागठबंधन में कुल 8 सीटें कुशवाहा समाज को दिया गया। अब मल्लाह को साधने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी आ गए हैं। तो मतलब इस बार जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, वह लालू यादव के पक्ष में दिख रहा है एकदम, पूरा हंड्रेड का हंड्रेड ऊपर में मेल हुआ और अंदर आप लोग बीजेपी वो सब काम होवे नहीं करेगा। हम लोग साथ हुए पूरे दिल से, साथ दिल से, साथ पूरे दिल से साथ हुए हैं। मोदी जी तो हमको धोखा दिए। क्या धोखा दिए? धोखा तो दिया ऐसा कि हमारा सब विधायक खरीद लिए। अच्छा, और हमारे जो आरक्षण की बात था उसमें भी कुछ नहीं किए। लालू जी सम्मान दिए? लालू जी तो बहुत सम्मान दिए भाई, बुला करके सम्मान दिए, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। नवादा, चूंकि नवादा में आप जो है अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, नवादा में क्या समीकरण देख रहे? नवादा में 234 गांव चौहान बेलदार नोनिया का 234 गांव है, हम लोग 234 गांव में भ्रमण करेंगे, एक एक वोट के लिए सरवन जी को, सरवन कुशवाहा को वोट करेंगे, पूरा कुशवाहा यादव मुस्लिम कुशवाहा सब सब हो गया, एक एक वोट बंद हो गया। यहाँ देखिए हमारे गैस खान हुए सब, सब एक एक वोट जाएगा
श्रवण कुशवाहा यहाँ बागी हो गए हैं विनोद यादव राजवल्लभ के भाई। चले वाला कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वोट कटवा, वोट काटेंगे बस। 2000 वोट, 2000 वोट, बस 2000। एक भी वोट नहीं, एक भी वोट नहीं, विनोद यादव का एक भी वोट नहीं। पूरा मल्ला जोश में आ गया। 3 सीटें, हम सिरदल्ला के रहने वाले हैं, सिरदल्ला ग्राम भरसंडा। मेरा नाम अर्जुन यादव है, लेकिन हम पूरे दम सम के साथ कहते हैं कि सिरदल्ला में विनोद यादव का बोहनी नहीं होगा। बोहनी नहीं, बोहनी तक नहीं, ये बोहनी नहीं होगा वहाँ। सब पूरा सर्वन मय, लालू यादव जिंदाबाद। में क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, कोई चक्कर में नहीं है, कोई चक्कर में नहीं। सर्वन के चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। बताइए मोदी जी आएंगे, अचानक अमित शाह आएंगे, जमाना चला गया, वो जुमलाबाजी नहीं चलेगा। देखिए ना, हम लोग कैसे कोई नहीं है टक्कर में। एक ही है सर्वन, सर्वन सब एक है। 85% हम लोग एक है। मौसम विज्ञान, पानी भगाओ क्या? मौसम विज्ञान का खाता नहीं खुलेगा, मौसम विज्ञान खाता नहीं खुलेगा। हनुमान है हनुमान, वो सब दौर था रामगिलास का, खाता नहीं खुलेगा। भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। अरे झूठे बोलना है मोदी जी को, तब इस साल भी कहते हैं कि 2 करोड़ के जगह 4 करोड़ देंगे। हाँ। लेकिन वो अब खत्म हो गया, भूल गए। अब वो भूल गए, जुल्म माने रोजगार के नाम पर 4 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार। वो भी जब कहते थे वो अब खत्म। मंच पर से अब रोजगार की बात नहीं होता, कभी नहीं है। अब तो रोजगार है ये नहीं है, खाली मंदिर की बात होता है, मंदिर मस्जिद रोजगार की बात नहीं होता। खाली खतरे में है, मोदी जी बचा रहे हैं। 5 लाख दिए 17 महीना में, 5 लाख तेजस्वी नौकरी दिए, रोजगार दिए। पूरा प्रचार पोस्टर टीवी अखबार में चल रहा है, मोदी मोदी हर हर मोदी मीडिया है। खरना हुआ मीडिया है। आप लोग जैसा अगर मीडिया हो जाए जागरूक, तो हमारा भारत देश अभी अमेरिका से भी ऊपर रहता। मीडिया वाला गद्दारी कर रहा है देश के साथ, भारी गद्दारी, भारी गद्दारी। मीडिया का प्लस चलेगा, खरीदे हुए मीडिया के बल पर मोदी जीत रहा, वोट से नहीं। माहौल बना देता है मीडिया, माहौल बनाता है मीडिया जुमलेबाजी से। इस बार मीडिया का माहौल चलेगा, अब चलने वाला बात है, कुछ नहीं जा रहे हैं। जीरो पर आउट होंगे, जीरो का 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। 40 को बोली नहीं होगा। सुनिए ना, मोदी जी लगातार परिवारवाद परिवारवाद करते हैं। यहाँ सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को टिकट दिए, परिवार वाले को है आपका काम, परिवार परिवारवाद करते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि जब आए जमुई में, तो वहाँ उनका परिवारवाद कहाँ गया? नहीं कुछ बोले, कहाँ वहाँ गया? वहाँ परिवारवाद नहीं है कि हम जितने भी जगह, 4 जगह चुनाव हो रहा है अभी, जो 19 तारीख को जो चुनाव होगा पहले चरण में 4 जगह, और चारों जगह परिवारवाद का ही उम्मीदवार है उसका, मोदी जी का चारों जगह परिवारवाद का है। तो परिवारवाद कहाँ, यहाँ कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा परिवार, कहाँ परिवारवाद का भाषण करेगा? भगा वो नवादा का बेटा ही यहाँ का सांसद होगा। इतने बेटा सांसद यहाँ नहीं बनता था। ऐसा बात नहीं है कि नवादा में ऐसा कोई पैदा नहीं मैं किया है जिसका बेटा नवादा से चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन बार बार कभी बेगूसराय, कभी पटना, कभी ला करके नवादा जिला को थोप देना, बीजेपी वाला थोप देता है ला करके। और लेकिन यहाँ सिंह थे, भोला गिरिराज सिंह आए, वही बात है। यहाँ का जनता भोला वाला थे, जिस तरह से समझाओ मंदिर मुद्दा पर कर करके वोट ले लेते, लेकिन अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो गया। सुनिए ना, मोदी जी कहते हैं हमको देखो, किसको दिए टिकट उसको नहीं देखो, ऐसा चलेगा? वो तो विदेश घूमने वाले अपने खुद हैं। अच्छा, तो यहाँ हम लोग का क्या देखेंगे? वो नवादा का बेटा चाहिए। हाँ, नवादा का बेटा चाहिए, नवादा का। अच्छा, नवादा का बेटा चाहिए। बाहरी भगाओ, खेला हो जाओ, इस बार खेला हो जाएगा। हो गया खेला, हो गया। जितना बैकवर्ड मुस्लिम यादव सब एक फॉरवर्ड का वोट भी हम लोग को मिलने जा रहा है। फॉरवर्ड का भी वोट आपको कहे देगा? कहे नहीं देगा, रोजगार के नाम पर देगा, रोजगार के नाम पर, बाहरी भगाओ के नाम पर। बार बार हम लोग का वही जन्म, माने वो दूसरे का मीटिंग हो गया, फॉरवर्ड का करेंगे।
अरे पैर छू के दूसरे का काम करेंगे कि अपना भी परिवार होना चाहिए, अपना घर का बेटा तो होना चाहिए। इस बार नवादा का बेटा चाहिए आप लोग? बस नवादा का बेटा चाहिए। चलिए, तो ये माहौल है जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने महागठबंधन को ज्वाइन किया है, उससे जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पे वो काफी उत्साहित है। और इस बार जो लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्या वो इसी भरोसे तो नहीं है? कुछ न कुछ तो होगा बिहार में, जिस प्रकार से माहौल है जो आपको टीवी अखबार में दिख रहा है वो माहौल ग्राउंड पर तो नहीं है। आप क्या मानते हैं? सर खेला होगा बिहार में, खेला होगा बिहार में, खेला होगा। जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी, जिंदाबाद 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 लालू यादव, जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव, जिंदाबाद 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 राबड़ी देवी, जिंदाबाद 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 सरवन कुशवाहा, जिंदाबाद 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 सरवन कुशवाहा, जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, ये लोग थे, उन्हें बातचीत करने का प्रयास किया, पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि बिहार और साथ में नवादा में क्या होगा।